हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त आरजे एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में द हिंदू वोकैब का अपना सेशन लेके, जहां पर हम लोग आज पहले वर्ड की जो बात करने वाले हैं वो वर्ड है आपके पास में इनएविटेबल। अगर हम लोग देखना चाहें इस वर्ड को, तो हो सकता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको एक साथ बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर मेरा ख्याल है इसमें नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताने की कोशिश करी बेटा कि हाँ, आपके पास में अगर कभी भी कोई वर्ड हो जो थोड़ा सा लगता है कि बड़ा है, तो उसके टुकड़े कर लो। मैंने आपको बताया था ना कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि डिवाइड एंड रूल, वो सब लोगों को मतलब टुकड़ों में बांट देते थे और फिर उनके ऊपर राज करते थे, शासन करते थे। तो हमने भी पॉलिसी बनाई है कि भैया डिवाइड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो डिवाइड एंड अंडरस्टैंड, अंग्रेजों से कुछ तो सीखेंगे हम भी, ठीक है? तो हमने बना लिया कि आप वर्ड्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर उनको टुकड़ों में देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो इन एविटेबल, तो इनएविटेबल हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास में वर्ड गया कि ये वर्ड आपके पास इनएविटेबल, वो चीज होती है जो चीज मतलब जिसको होने से कोई रोक नहीं सकता, यह चीज या फिर वो चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है कि उसका होना ही होगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि वो आपके पास इनएविटेबल है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे हम लोग बच नहीं सकते, और प्रिवेंटेड, जिसको रोका नहीं जा सकता फ्रॉम हैपनिंग, होने से उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कि आपके पास में रिचार्ज हुआ है तो रिचार्ज करना ही पड़ता है ना, आपके सेल फोन में कभी आपका पैक खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको उसको रिचार्ज करना ही पड़ता है, वो आपके पास जरूरी चीज है, उसको रोक ही नहीं सकते आप लोग, अनअवॉइडेबल, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा आपका, रुक जाएगा सारे काम, फिर चैटिंग वेटिंग कैसे करोगे तुम लोग? सर्टेन होगा, इमिटेंट होगी आपके पास में, देखो वापस वर्ड अन लगा है, प्रिवेंट लगा है और एबल लगा है, तो अनप्रिवेंटेबल आपके पास वर्ड बन गया, बाउंड टू हैपन, इसका होना आवश्यक है, जो चीज वो होने के लिए बाउंड है तो होना ही पड़ेगा उसको। इररेजिस्टेबल आपके पास वर्ड है, फेटेड वर्ड है, ये जो फेटेड वर्ड है ना आपके पास में, ये एक तरीके से प्रीडेस्टिन्ड, यानी कि जो डेस्टिनी लिखी जा चुकी है पहले से ही, उसके उसका ही एक हद तक सिमिलर वर्ड है, जो जो किस्मत लिखी जा चुकी है, जो नियति लिखी जा चुकी है कि ये तो होना ही है, तो वो होके रहता है। आपने एक मूवी देखी होगी फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब एक मूवी की बहुत अच्छी सीरीज है वो, और उसमें भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी सबकी मतलब डेथ होनी होती है, तो वो उस अपनी डेथ को चकमा दे जाते हैं। अब जैसे ही वो चकमा देते हैं तो एक सीक्वेंस पता नहीं जाने क्या होता है, तो समहाउ इन द एंड, मतलब इन द एंड सबकी डेथ हो ही जाती है, ये उस मूवी में दिखाया गया है। तो मतलब देखना, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, और नहीं देखी तो प्लीज देखना, मतलब अच्छी सीरीज है वो, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया देखा है हमने, ठीक है? अब अगला वर्ड है आपके पास में इन, अभी एस्केप वर्ड था आपके पास में, तो एस्केपेबल आपके पास वर्ड हो गया, इन एस्केपेबल आपके पास एक और वर्ड निकल के आया, प्रीडेस्टिन्ड हम लोग बोलेंगे, फोरगॉन, फोर जो वर्ड होते हैं हमेशा फ्यूचर को लिए, फ्यूचर के लिए बात करते हैं, वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब पहले ही, जो चीज हुई नहीं उससे पहले ही, कंक्लूजन, अनअल्टरेबल, अल्टर मतलब एडिट करना, ठीक करना उसको, ठीक है, डिटरमाइंड, अनफॉलिंग, श्योर, प्रिडिक्ट कर दिया उस चीज को, तो प्रिडिक्टेबल आपके पास वर्ड हो गया, नेसेसरी हम लोगों ने देखा ही था, तो आपके पास जो चीज होनी है, जैसे कि आपके पास रिचार्ज वगैरह होते हैं तो ये होने ही है आपके पास। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा, जिसको हम लोग ओवरलुक कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं, ठीक है? तो अवॉइडेबल आपके पास में, प्रिवेंटेबल हो गया, कंटिंजेंट आपके पास वर्ड हो गया, अनसर्टेन हो गया, ऑप्शनल हो गया, मतलब उसका है आपके पास ऑप्शन, जैसे कि आपके सेलफोन में है तो रिचार्ज नहीं भी करो तो दूसरी सिम से काम चला लेंगे, उसमें है तो अगर उसका भी रिचार्ज खत्म हो जाएगा फिर तो कराना ही पड़ेगा। अवॉइडेबल, चेंजेबल और सरमाउंटेबल आपके पास, सरमाउंट वर्ड था यहाँ पर, उसमें जुड़ के गया एबल। कभी कभी आपको लगे कि ये वर्ड बहुत बड़ा है तो नहीं सोचना है उसको, बड़ा नहीं सोचना है अपने को, देखो कि उसमें टुकड़े कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं और फिर पढ़ेंगे उसको, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, कॉलिजन। ये वर्ड जहां पर भी लग जाए आपको को लगा हुआ मिले, तो आप उसमें वहां पर कॉपरेशन की देखा करो कि वहां कहीं ना कहीं आपके पास में क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई गठबंधन हो रहा होगा, कोई चीज आपस में मिल रही होगी, ठीक है? चीजों का आपस में जो मिलना होता है वो आपके पास दिखाने का काम अगर कोई करेगा बेटा, तो ये को वर्ड दिखाता है, जैसे कि कॉपरेशन हुआ है आपके पास में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे कुछ होती है ना आपके पास में, तो को, तो ये तरीके से गुटबंदी होती है आपके पास में, गठबंधन हम लोग इसको बोलेंगे, दो आपके पास में दो पक्ष होते हैं आपस में, अगर उनमें सुलह होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन, उन दोनों ने मिला के एक यूनियन बनाई है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन, ठीक है? अगर आपको पता है अभी हरियाणा में यही रिसेंट में चल रहा है कि वहां पर बीजेपी और जेजेपी का उनका उन्होंने एक कॉलिजन करके सरकार बनाई हुई थी, मतलब एक यूनियन बना के उन्होंने सरकार बना रखी थी, जिसको अभी तो वो उनका जो कॉलिजन था वो टूट चुका है, यही न्यूज थी और उसी के ऊपर ये वर्ड आया था, तो कॉलिजन,
तो जेजेपी वहां पर आपके पास में एक अलग पार्टी थी, बीजेपी अलग पार्टी थी, दोनों ने मिला के क्या किया था वहां पर, कोलिजन किया था, यानी कि यूनियन बना रखी थी और उससे उन्होंने सरकार बना रखी थी जो अब क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। वही बात यहाँ पर दिखा रहे हैं भैया, देखो एग्रीमेंट हो गया ना, हाँ डील फाइनल हो गई, ठीक। तो वही चीज, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाई टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर, जहां पर आपके पास में मोस्टली इसको जब यूज किया जाता है तो पॉलिटिकल सिनेरियो में यूज होता हुआ मैंने ज्यादा देखा है इसको, अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है चीजों को लेके, तो उसमें मैंने पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वर्ड को यूज होते हुए ज्यादा देखा है। ऑल्दो आपकी इच्छा है कि आप इसको कहीं और भी यूज करना चाहो तो दैट्स योर चॉइस। काइंड ऑफ अलायंस हम लोग बोल सकते हैं, यूनियन तो मैंने आपसे बता ही दिया था आपको, पार्टनरशिप हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आपके पास में, आपके पास कौन लगा है और फिर क्या है फेडरेशन, फेडरेशन मतलब मिल गया है वहां पर, वो फेडरेशन आपस में मिले हैं, फेडरेशन हम लोग बोलेंगे। कॉन्सोर्टियम आपके पास में वर्ड है, कोलेबोरेशन हम लोग बोलेंगे, एफिलिएशन हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ब्लॉक जो होता है वो आपके पास जो गुट बनते हैं ना चीजों के उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, फ्यूजन हो गया, लीग हो गया, कॉलिजन हुआ आपके पास, सिंडिकेट पूरा का पूरा, पैक्ट हुआ उनके बीच में संधि कुछ हो चुकी है, ठीक है। कॉन्फेडरेसी आपके पास में वर्ड है, आमलगेमेशन आपके पास एक और वर्ड हो गया वैसा का वैसा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड आपके पास में है वो कोलिजन को दिखाने के लिए ही आए हैं, गठबंधन को दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, TION लगा है तो भैया ये बात भी आपको पता है कि वर्ड नाउन की कैटेगरी में जाएगा, सीधे सीधे नाउन की कैटेगरी में जाना है इस वर्ड को, ठीक। उल्टा देखें जब उनका यूनियन नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, वो डिवाइड हुए हैं, तो अभी उनमें क्या देखने को मिल रहा है, डिविजन देखने को मिला है ना, अलग अलग हो गए हैं वो, डिसयूनिटी हुआ है, सेपरेशन हुआ है, डिसोसिएशन वहां पर हुआ है आपके पास। अब आपके पास में जब को लगता है तो मिलने की बात होती है, और मैंने आपसे कहा था कि इम इर अन डिसमिस इस तरह के प्रीफिक्स आपको देखने को मिले तो मामला उल्टा हो जाता है, तो डिस लगाना मतलब अब उनके बीच में कॉलिशन नहीं हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर ये कॉलिशन नहीं हुआ है अब वो डिसोल्यूशन हुआ है उनके बीच में, ठीक है। तो डिसोसिएशन आपके पास में वर्ड हुआ है, डिसएफिलिएशन आपके पास वर्ड हुआ है, एलिनेशन, एलिनेशन मतलब होता है किसी को अलग थलग कर देना, एलिन मतलब समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, डिस्कॉर्ड राइवलरी हो गई है उनके बीच में, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एकदम से अपोज करने लग गए हैं वो चीजों को। अच्छा वर्ड है कंसोलिडेट, कंसोलिडेट करना चीजों को, अभी हम लोग देखना चाहें यहाँ पर कंसोलिडेट करना, आपके पास कंसोलिडेट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये आपके पास में जो कैटेगरी जाएगी ना बेटा वो वर्ब की होगी, अगर इसी वर्ड में हम लोग क्या लगा देते हैं कंसोलिडेशन TION लगा देंगे तो आपके पास में यही कैटेगरी अब फिर किसकी हो जाएगी, नाउन की हो जाएगी, ठीक। तो चीजों को आप क्या करते हो इकट्ठा कर देते हो, मिला देते हो, अभी हमने देखा था ना कि जहां पर भी ये को लग जाए क्या लग जाए, को लग जाए क्या लग जाए, को लग जाए तो उसमें चीजों को मिलाने की बात हो रही होती है, तो यहाँ पर भी तो क्या हुआ वापस से समेकित कर दिया हमने उनको सबको इकट्ठा कर, देखो ये ऐसे ऐसे फैला हुआ था ना आगे जाके सब एक हो गया, सब इकट्ठे हो गए, तो एक तरीके से हमने उनको क्या किया बैठा है, यूनिफाई किया है, मर्ज किया है, कंबाइन किया है, इंटीग्रेट किया है, उनको आपस में जोड़ दिया, रिलेट कर दिया उनको, फ्यूज किया है, अमलगमेट किया है, कोहेर किया है, ब्लेंड किया है, सिंथेसाइज किया है, उनमें स्ट्रेंथन किया है, सेंट्रलाइज किया है उनको, कोलेसिस किया है हमने उनको, होमोजीन किया है, होमोजीन मतलब सेम चीजें, ठीक है। होमो जो होता है ना बेटा, होमो वर्ड का मीनिंग ही होता है सेम, ठीक है, इसी से वर्ड बनता है, होमोजीनियस, होमोसेक्सुअल इस तरह के वर्ड बन के आते हैं इससे, ठीक है। हार्मोनाइज किया है, हार्मनी वहां पर पीस हो मेंटेन करी है हमने, वो सब अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, सब पहले अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, सबको एक डायरेक्शन दे दी हमने, सब एक हो गए, ठीक है, तो यूनिफाई हो गए सभी, सोलिडिफाई हुए हैं वहां पर, रैशनलाइज वहां पर हुए हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में अगर हम लोग कह सकते हैं तो कंसोलिडेट के सिमिलर वर्ड है, टू जॉइन थिंग्स टुगेदर इन टू वन, यानी कि दो या दो से अधिक कोई चीजें आपके पास में, यहाँ हमने दो ही लिखा है, लेकिन दो से अधिक अगर चीजें आपके पास में तो उनको आप आपस में मिला रहे हो और उनको मिलाकर क्या कर रहे हो, एक कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट हुआ है वहां पर, टू बी जॉइंट इन टू वन, अब कितने भी हो सकते हैं नंबर, ठीक है बेटा। उल्टा हम लोग देखें तो हम मिला नहीं रहे हैं उनको, क्या कर रहे हैं अलग अलग कर रहे हैं, तो वीकेंड से ना हम लोग क्या कर रहे हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, फ्रेगमेंट कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं और डिस्पर्स कर रहे हैं, राइट बेटा। तो कितने सारे वर्ड हो गए हमारे पास में जिनको हम लोग ऑपोजिट के रूप में यूज करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है अच्छा वर्ड है एग्रेरियन, आपके पास अगर हम लोग देखना चाहें एग्रेरियन जो वर्ड है आप इसको ऐसे याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो एग्रेरियन जो वर्ड है आपके पास में वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ ना, इसका मतलब कृषि भूमि से संबंधित जो भी काम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एग्रेरियन, बहुत आसानी से याद रह जाएगा, एग्रेरियन मतलब कृषि भूमि की हम लोग बात करते हैं। और ये जो वर्ड है ना आपके पास में, इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा,
कनेक्टेड विथ फार्मिंग एंड द यूज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। अगर हम लोग बात करना चाहें जो चीज़ आपके पास में कृषि से जुड़ी हुई है या फिर वो जो लैंड है वो फार्मिंग से जुड़ा हुआ है आपके पास में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एग्रेरियन बात वहां पर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम लोग ये इस जगह, इसको देखना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप देखोगे तो सोसाइटी आपके पास क्या हुआ, नाउन हुआ। तो नाउन से पहले अगर कोई चीज आएगी तो वो आपके पास क्या होगी, एडजेक्टिव ही होगी ना, लाइक द ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल क्या हुआ आपके पास में, नाउन हुआ। और उसके पहले अगर हम लोग देखना चाहें ब्यूटीफुल चप लगा है तो वो क्या हुआ आपके पास में, एडजेक्टिव हुआ। सेम टू सेम ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, वैसे कि वैसे एडजेक्टिव की कैटेगरी हो गया। तो एग्रेरियन आपके पास में है, ये देखो भाई साहब खेती कर रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं। अब अगर आप में से कोई मतलब जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, जिनके घर में खेती वगैरह होती है, तो उनको पता होगा ऐसे मतलब इधर हाड़ौती क्षेत्र में जो होता है कोटा के साइड में, तो उसमें उसको बोलते हैं पाणत करना। पाणत करना मतलब पानी देने के को बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो रूरल हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया मामला, फार्मिंग हो गया। कंट्री, कंट्री जो होता है ना वो रूरल साइड में, कंट्री साइड मतलब रूरल साइड। ठीक है, कंट्री साइड मैं बोला था ना, ये रस्टिक हो गया आपके पास में, एग्रोनॉमिक हो गया, पेस्टोरल। पेस्टोरल भी गांव के ही बैकग्राउंड को दिखाता है, रूरल बैकग्राउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पेस्टोरल वर्ड। कल्टीवेशन होता है, फार्मस्टेड वहां पर हुआ है। पीजेंट, पीजेंट मतलब जो किसान होते हैं, पीजेंट वर्ड यूज किया है हमने किसको लेके, फार्मर को लेके, राइट बेटा। विलेजर हम लोग बोलेंगे, एग्रोनॉमिक हम लोग बोलेंगे। अच्छा दो दो बार आ रहा है यार, कितनी बार आया ये वर्ड। ठीक है, हिंटरलैंड हम लोग बोलेंगे, टेरिटोरियल हम लोग वहां पर बोलते हैं। टेरिटोरियल जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना बेटा, वो किसी लैंड के लिए यूज करते हैं या फिर कुछ एरिया होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि टेरिटरी मतलब किसी के अधिपत्य में आता है, वो उसके अधीन होता है वो क्षेत्र। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया की टेरिटरी है, तो उनका एरिया है जिसके ऊपर उनका शासन है, किसका, इंडिया का। तो मतलब इंडिया आपस में एक है, ये कहना चाह रहे हैं वो। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जहां हम लोग रूरल बैकग्राउंड की बात नहीं करें तो हम कहां चलेंगे, शहरों में चलेंगे। तो हम लोग कहां चलेंगे, सिटी में चलेंगे। सिटी में गए तो वहां पर मामला कैसा होगा, अर्बन हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल मामला वहां पर हुआ है, मेट्रोपोलियन वहां पर हुआ है जहां पर मेट्रो चलती है। ठीक है, कॉस्मोपोलिशन वहां पर हुआ आपके पास में, मॉडर्न हुए हैं, थोड़े से अर्बनाइज्ड हुए हैं। सिटी की बात हुई ना तो हम लोग सोचते हैं कि डेवलप हो गए हैं, लेकिन मैंने ये चीज देखी है, सिटी में रहके लोग बाग मतलब बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, मतलब एक वो एक चक्र में फंस जाते हैं, बस वही सेम रूटीन चलता रहता है, कुछ नया नहीं होता है। लेकिन अगर आप गाँव में रहोगे तो वहाँ, मैं अभी भी ये कहूँगा कि जो असली भारत है वो वाकई में गाँव में बसता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें गाँव में कितनी सुख शांति फील होती है अगर देखा जाए तो, कोई टेंशन नहीं, खेती करो ये करो, मस्त रहो, मस्त जिंदगी है। तो अगर देखा जाए तो गांव की जिंदगी सबसे बढ़िया होती है, सुकून है उसमें। शायद यही चीज आपको भी फील हो जाएगी अगर आप किसी को मतलब आप दोनों के डिफरेंस को देखोगे ना, तो आपको जो रूरल लाइफ है वो ज्यादा अच्छी फील होती हुई दिखेगी। हम लोग सिटी में आके मॉडर्न तो होते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे हम लोग चीजों में वो लोगों को इम्प्रेस करने वाली एक उस फेज में आते हैं ना, तो दिक्कत होने शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं करेंगे अभी हम लोग, हम लोग हमेशा मस्त रहें, सुस्त रहें, खाते रहें, पीते रहें, सोते रहें। ठीक है, और काम भी करते रहें, पढ़ाई जरूरी है आपके पास, पढ़ाई तो करनी ही है आपको। ठीक है, चलो अगले वर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग, आज का ज्ञान इतना ही था। फोर्ज्ड, ठीक है, फोर्ज्ड मतलब आपने कहीं पर किसी को क्या किया, थोड़ा सा डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करी है आपने, उसकी तरीके से कॉपी किया है उसको कहीं ना कहीं से। ठीक है, और वो भी लेजिटिमेट नहीं होती, इनवैलिड होती है। तो आप किसी की क्या करते हो, एक इलीगल कॉपी बनाते हो उसको, वैसा का वैसा ही, मतलब ये जो चीज थी आपने उसकी जैसी बनानी चाहिए है, लेकिन ये उस कंपनी से परमिशन नहीं लेकर उससे पहले ही बना ली है आपने। बिना परमिशन के अगर बनाओगे तो अगर देखा जाए तो ये आपने उनकी मेहनत को वेस्ट किया है एक तरीके से, तो इलीगल कॉपी आपने उसकी बनाई है, तो इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग वी कैन से फोर्ज्ड हो जाएगा, जाली होगा या फिर कूटरचित हम लोग बोल सकते हैं। आपने एक तरीके से उनके लिए फैब्रिकेशन किया है वहां पर, क्राफ्टेड किया है, मैन्युफैक्चर्ड किया है, क्या तो है लेकिन किस तरीके से, इलीगल तरीके से क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, फॉर्म किया है, फैशन किया है, शेप किया है, मेड किया है, डिजाइन किया है, फैब्रिकेट किया है। ठीक है, फोर्ज्ड जाली है, जाली, जाली मतलब ये वो बोला नहीं है, जाली से यहाँ पर जो मेरा मतलब है बेटा वो नकली वाली सेंस में बात करिए, जैसे कि चाइना की चीजें आती है वो वाली जाली है। ठीक है, वो मच्छरदानी वगैरह की बात नहीं कर रहे हम लोग, कि उस जाली की बात कर रहे हैं, वो जाली नहीं है ये आपके पास में, जो नकली वाला चीज है, नकली है, जाली है, वैसा हम लोग बात कर रहे हैं इसको, तो ये नकली है, किसी की कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है वो चीज। उसका उल्टा क्या होगा अगर आप देखना चाहोगे तो,
आपने उस चीज की कॉपी तैयार की है, तो आप किसी चीज को नकली क्रिएशन आप वहां पर दिखाते हो, तो वो चीज आपके पास में यहाँ चली जाएगी। आपने उस चीज की कॉपी बनाई है, मतलब कॉपी बना रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको आपने क्या किया है, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, डिसअसेंबल कर दिया, वहां पर आपने डिसइंटीग्रेट किया है, वहां पर डिसमेंटल किया है, डिमोलिश किया है, डिस्ट्रॉय किया है, रुइन किया है, ब्रेक किया है, या फिर डिसोल्व किया है। एक तरफ तो आप उसका क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, उसको मोल्ड कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, आप उसको बिगाड़ दोगे, तो वही चीज़ आपके पास में ऑपोजिट में चली जाएगी। ठीक है, अगर सिर्फ आप इसका मीनिंग देते कि नकली है, तो नकली का ऑपोजिट क्या होगा, असली, रियल। लेकिन यहाँ पर बनाने की बात हो रही है, उसके फेब्रिकेशन की बात हो रही है, तो बनाने की बात हो रही है, तो बनाने का उल्टा क्या होगा, बिगाड़ना। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से है। बाकी हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी हो, अच्छे अच्छे लोग देश देश को चलाएं। ये सारा का सारा जो अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप ये सोचो कि भैया हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो अच्छा है उसके लिए अच्छे हैं, जो बुरा है, जो बुरा है। ठीक है, तो जो देश को चला रहा है, मतलब जो हम लोग कह सकते हैं कि देश के लिए सही है, वो अपने लिए सही है। कभी भी पार्टी से मतलब मत रखो, आप लोग हमेशा चीज़ों में ध्यान रखो कि इंसान कैसा है, इंसान अगर ये ठीक काम कर रहा है तो हम उसी को वोट देंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पर जो वर्ड समझाने की कोशिश में कर रहा था, वो था आपके पास में इनकम्बेंसी, YCY। अगर आपको किसी वर्ड में लगा हुआ दिखे, तो सबसे पहले तो आप उस वर्ड को नाउन में रखेंगे। ठीक है, पदग्राही जो किसी पद को, पद की शपथ लेता है, द स्पीयर ऑफ एक्शन और पीरियड ऑफ ऑफिस ऑफ एन इनकम्बेंट। ठीक है, किसी का जो उस पोजीशन को होल्ड करने का जो टेन्योर होता है, जो टाइम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इनकम्बेंसी कहलाती है, उसकी होल्डिंग कहलाती है, तब तक वो उस पद पर रहेगा। मान लीजिए लोगों ने इन भाई साहब को वोट किया है, तो उस बेसिस पे उनका टेन्योर 5 साल का रहेगा, तो 5 साल तक उनके पास में वो पोजिशन होल्ड करके आएंगे, ये उनकी टर्म है, उनका ऑफिस है, ऑक्यूपेंसी तब तक उनकी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन तब तक रहेगा, उनकी पोजिशन तब तक रहेगी, और तब तक उनकी ही पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ड्यूटी है, स्टूवर्डशिप है आपके पास में, ट्रस्टीशिप है, रेजेंसी है, उनकी अथॉरिटी है, उनका मैंडेट है, उनका चार्ज है, और उन्हीं की सर्विस है, यानी कि वो ही चीज़ों को ऑथराइज करेंगे उस टाइम तक। उसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, तो वहाँ पर चीज़ों में उन्होंने पोजीशन होल्ड नहीं कर रखी है, खाली कर दी है, तो क्या हुआ, वैकेंसी हुआ, एंट्रिम हुआ। अच्छा, एंट्रिम का मीनिंग मैंने बहुत कुछ जो प्रीवियस वीडियोज थी उनमें भी बताया हुआ है, और 2-3 बार ये वर्ड रिपीट हुआ है, तो मुझे आप लोग बताएं कि इंट्रिम वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनऑक्यूपाइड है, एब्सेंस है, वैकेंट है, इनएक्टिविटी है, और अबेयंस है। तो ये सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट में काम करेंगे, किसके में, इनकम्बेंसी के। राइट बेटा, स्वे स्वे मतलब किसी का प्रभाव होता है, बोलबाला है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग बात किसकी करते हैं, इनकी है, क्योंकि इनका क्या है, वहां पर इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो किसी का इन्फ्लुएंस होता है किसी पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, कंट्रोल बोलेंगे, पावर बोलेंगे, डोमिनेंस बोलेंगे, अथॉरिटी बोलेंगे, इम्पैक्ट बोलेंगे, सब उसकी सुनते हैं। तो पर्सुएशन हो गया, वहां पर कमांड हुआ है, एसेंडेंसी वहां पर आपके पास में, एस्केंडेंसी सॉरी माफी चाहूंगा, मास्टरी हुआ है, लेवरेज हुआ है, डोमिनेशन हुआ वहां पर हुआ है, होल्ड हुआ है, मास्टरी हुआ है, या फिर क्लाउट हुआ है। तो किसी एक के किसी एक चीज को लेके मास्टरी हो जाती है, या फिर उसकी पोजिशन वहां पर टाइट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं स्वे कर रहा है वो। ठीक है, उल्टा दे हम लोग देखेंगे, तो लोग उसको क्या करते हैं, ऑपोजिशन करते हैं, वो अब उसके कंट्रोल में नहीं है, पहले तो कंट्रोल में थे, अब कंट्रोल से बाहर चले गए, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं उसको, इमोबिलिटी वहां पर हो रही है, रिजिडिटी हो रही है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है वहां पर, स्टिफनेस हुआ है, स्टेग्नेशन हुआ है, स्टिलनेस वहां पर हुआ है। राइट बेटा, ये वर्ड हम लोग इस पर देख पा रहे हैं। अगला वर्ड रिगर्स, वर्ड बना है रिगर्स। ठीक है, रिगोरस एक वर्ड होता है, जिसमें कोई व्यक्ति होता है जो कठिन परिश्रम करता है, कठोर मेहनत करता है, चाहे लोग बाग कुछ भी कहें, तो उसको बोलते हैं रिगोरस। ठीक है, तो वो एक अलग वर्ड है। तो रिगोरस यहाँ पर कठोरता की बात की जा रही है, द क्वालिटी ऑफ बींग एक्सट्रीमली थ्रू एंड केयरफुल, मतलब किसी चीज में से आप बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हो, और फिर पूरी तरह से चौकन्ने हो इसको लेके, तो आपकी जो कठिन परिश्रम है उसकी बात हो रही है, चैलेंजेस की बात हो रही है, डिफिकल्टीज, ट्रायल्स की बात हो रही है। रगड़नेस, रगड़नेस मतलब पता चलता है कि आप कितने टफ हो। सेवरिटी मतलब कितनी चीजें आपके साथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हो मैदान में, तो वीकेंड से रिगरस, जो आपका टाइम था वो रिगरस था। ठीक है, और आप खुद रिगोरस थे, RIGORUS। ठीक है, तो स्ट्रिंजेंसी आपके पास है, डिमांड्स आपके पास में, स्ट्रेन है आपके पास में, एडवर्सिटीज आपके पास में है, टफनेस है, ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखने की कोशिश करें ना, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स के सिमिलर वर्ड हैं। ठीक, तो मैंने बता दिया है आपको।
उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें इसका कि ऑपोजिट क्या जाएंगे, तो जो चीज़ आसान होंगी, अब आसान तो कोई भी कर लेगा, ईज़ कम्फर्ट फ्लेक्सिबिलिटी लीनियंसी आपके पास में, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती है, सॉफ्टनेस हो गया, माइल्डनेस हो गया आपके पास में, रिलैक्सेशन हुआ है, जेंटलनेस आपके पास में हुआ है, राइट बेटा। अगला वर्ड हमारे पास में है पैराडिग्म। अगर हम लोग बात करना चाहें पैराडिग्म को लेके, तो कोई चीज़ आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, मानक है, यानी कि उसको एक आइडियल मान लिया है हम लोगों ने, तो वो आपके पास में कहा जा सकता है। तो आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो अपने आप में कैसी है बेटा, आइडियल है, वर्ड आपके पास में नाउन कैटेगरी में जाएगा, आदर्श टिपिकल एग्जाम्पल जो पहले से चला रहा है, ठीक है, पहले से। तो द टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, कि ये चीज़ ऐसे होगी तो ऐसे ही होगी, पहले पढ़ाई करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो ये हमारा सभी के साथ सेम है। अब जरूरत तो नहीं कि हर कोई सेम पैटर्न फॉलो करना चाहे, किसी का मन अलग में जाए तो उसको करना चाहिए। अगर कोई चीज़ मतलब जो हमारे पास डाइवर्सिटीज होती है उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ये करेगा। घर में कभी ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने में ठीक है और उसका मन है कि वो म्यूजिशियन बनना चाह रहा है आगे जाके, लेकिन नहीं यार तू पढ़ने में ठीक है, तेरे को साइंस दिला देते हैं तो बेटा क्या बोलते हैं तू डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये गलत हो जाता है वहाँ पर। हमें डाइवर्सिटीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी बात नहीं हुई। मॉडल फ्रेमवर्क एक स्टैंडर्ड सेट करेगा कि उसने ऐसा किया तो आप भी ऐसा ही करो, एक तरह से प्रोटोटाइप हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया है, पैटर्न हुआ है, आर्केटाइप वहाँ पर हुआ है, टेम्पलेट हुआ है, एग्जाम्पल हुआ है, ब्लूप्रिंट हुआ है, सब अब उसकी ही कॉपी निकलेगी वहाँ से। स्पेसिमेन ब्लूप्रिंट जो होता है वो मेन कॉपी होती है। आइडियल आपके पास में हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो गया, मॉडल हो गया, एपिटॉम या फिर नॉर्म हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपके पास में एग्जाम्पल था वो लोगों के लिए, तो अब अपवाद हो गया, वो उसने कुछ अलग किया है, नॉर्मल काम नहीं किया। यहाँ पर सारे काम जो हो रहे हैं बेटा वो कैसे हैं, काइंड ऑफ नॉर्मल हुए हैं। तो नॉर्मल के उल्टा क्या होगा, एक्सेप्शन एबरेशन हो गया, इरेगुलरिटी आपके पास में हुआ, वेरिएशन हुआ है, डिपार्चर हुआ है, डाइवर्जेंस वहाँ पर हुआ है, डेविएशन हुआ है, अनामली हुई। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो पैराडिग्म के ऑपोजिट वर्ड हैं, और ये सारे के सारे आपके पास में क्या है, सिमिलर वर्ड है, राइट बेटा। तो दिस आर द वर्ड्स, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव देम सपोर्ट द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, टाटा बेटा।